हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट शैडो के बारे में। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीएसएस में आज हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट की शैडो। तो हम जिस तरह से हमारी शैडो होती है, उसी तरह से हम एचटीएमएल सीएसएस में शैडो क्रिएट कर सकते हैं किसी टेक्स्ट की या फिर इमेज की या बॉक्स की, किसी भी एलिमेंट की हम शैडो को क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी एलिमेंट की शैडो क्रिएट करते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है एचटीएमएल का, और अब हम यहाँ पे करेंगे थोड़ी बहुत कोडिंग। तो यहाँ पे हम सी एस एस इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंटरनल सी एस एस हम लगाएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल को क्लोज, और अब स्टाइल के अंदर हम एडिट करेंगे हमारी शीट को। सो हम चाहेंगे कि जो हमारा बैकग्राउंड हो वो पूरा ब्लैक हो। सो यहाँ पे मैं पूरी बॉडी को जो हूँ सी एस एस दूंगा। सो बॉडी कर्ली ब्रशेस आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्टाइल क्लोज, और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है मुझे सिर्फ इसको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसको ब्लैक। आप कोई और कलर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक दे रहा हूँ यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमें उस एलिमेंट को सी एस एस देनी है जो कि हमें एडिट करना है। तो बॉडी के अंदर हम सिंपल सा टेक्स्ट लगा देते हैं, जैसे कि एच वर्ड हेडिंग। इसमें मैंने लिख दिया टेक्स्ट और क्लोज। सो अब हमारे पास बेसिक जो चीज बन चुकी है, अब मैं इसे सेव कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट शेडो डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन, और अब ओपन करता हूँ मैं अपना वेब ब्राउजर और इसे रन करा के देखता हूँ। अब तक जो है हमारा रिजल्ट आएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड आना चाहिए हमारे पास। टेक्स्ट भी आएगा इसमें, लेकिन टेक्स्ट जो होगा वो भी हमारे पास ब्लैक कलर में है, तो इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देगा। सो यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है हमारे पास, बैकग्राउंड भी आ चुका है। टेक्स्ट इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि उसका कलर भी ब्लैक है, सो वो हमें शो नहीं होगा। सो अब H1 हमें शो हो, इसके लिए मैं यहाँ पे CSS में एडिट करूंगा इसे H1, और इसे कलर दे दूंगा मैं वाइट, ताकि ये अब हमें शो हो। सो अब ये टॉप कॉर्नर में हमें शो हो जाएगा। सो यहाँ पे टेक्स्ट मुझे शो हो चुका है। सो अब मैं इसे मिडिल में लेके आऊंगा इस वेब पेज के। सो किस तरह से उसे लाएंगे, अब हम सिंपल सा एक कोड लगाएंगे, हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हमें सेंटर में चाहिए ये, लेकिन ये टॉप सेंटर में आएगा, लेकिन मुझे ये मिडिल में चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसे मार्जिन देंगे टॉप से, मार्जिन टॉप से देंगे हम। सो 350 देंगे हम इसे ऑलमोस्ट। सो ये सेंटर में आ जाएगा अब हमारा टेक्स्ट। सो टेक्स्ट अब हमारा सेंटर में आ चुका है। सो अब टेक्स्ट मुझे दिखाई दे, ज्यादा बड़ा कर दूंगा मैं इसे। तो फ्रंट साइज दे दूंगा मैं इसे अबाउट 50 pixels, 50 पिक्सल मैंने दे दिया इसे, और ये हो गया हमारा टेक्स्ट का साइज भी बड़ा। सो टेक्स्ट का साइज भी यहाँ पे बड़ा हो चुका है अब हमारे पास। मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ ताकि शो हो ये अच्छे से, 65 सही रहेगा। तो 65 दे दिया, अब इसे रन करके देखते हैं। सो काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस वक्त टेक्स्ट। अब इसमें हम शेडो को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बहुत ईजी है, शेडो डालने के लिए हमें सिंपल सा कोड लिखना पड़ता है S1 के अंदर ही। सो कोड है टेक्स्ट -शैडो शेडो, और इस तरह से कोड लग गया। अब यहाँ पे आती है हमारी नंबरिंग। सो फर्स्ट आएगी 0, फिर से 0। अब यहाँ पे जो है शेडो का हम देंगे कि कितनी जो बड़ी होगी उसकी शेडो होगी ऑलमोस्ट। सो अगर मैं यहाँ पे 10 px देता हूँ, और इसे कलर दे देता हूँ वाइट, और मैं एक और शेडो भी इसके साथ जोड़ सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और फिर से 0, फिर से 0। आप इन 0 के बदले कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, इनसे एक्चुअल में पोजीशन चेंज होती है शेडो की। अगर मैं यहाँ पे 56 करता हूँ, तो वो 56 नंबर वहाँ से लेफ्ट साइड में चला जाएगा शेडो। सो मैं यहाँ पे 0 दे रहा हूँ ताकि वो टेक्स्ट के साथ ही रहे सब कुछ। सो अब मैं फिर से 10 px देता हूँ, लेकिन इस बार कलर मैं इसे डिफरेंट दूंगा, जैसे कि येलो, ताकि ये शो हो हमको। सो यहाँ पे अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। अब जो है टेक्स्ट के आसपास व्हाइट और येलो कलर का शेडो आ जाएगा। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे शेडो आ चुका है मेरे पास। अब अगर मैं इस
10 को 20 करता हूं तो आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर जो होगा मेरे पास ज्यादा शो होगा और येलो थोड़ा कम। लेकिन इसी तरह से हम एक अच्छे से जो है शेडो क्रिएट करते हैं किसी भी एलिमेंट की। अगर आप किसी बॉक्स के लिए शेडो क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सिंपली टेक्स्ट की जगह बॉक्स को लिखना है और वो शेडो क्रिएट हो जाएगी उस चीज़ के लिए। सो येलो की जगह मैं रेड कर देता हूँ इसको ताकि अच्छा दिखाई दे ये। सो गाइस, इस तरह से हम शेडो क्रिएट करते हैं किसी भी टेक्स्ट की। बहुत ईजी है, आप लोग कर लेंगे आई नो। सो गाइस, अब प्रैक्टिस कीजिए इसकी और इम्प्लीमेंट कीजिए अपने अपने पीसीज में इस चीज़ को, टेक्स्ट को, और इंजॉय कीजिए HTML और CSS को। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।